पहाड़ी इलाकों में कम बर्फबारी के बावजूद ठंड का सितम जारी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट है। इसे देखते हुए हरिद्वार में 2 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। इसी के चलते हरिद्वार में 28 और 29 दिसंबर तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हालांकि देहरादून में मौसम साफ है। व्यापारी और स्थानीय लोगों ने कहा कि हरिद्वार का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। एक तो सर्दी में आदमी के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, खून में जमावट हो जाती है। अलाव जलने से काफी लोगों को उसकी राहत मिलेगी, मेडिकली भी जो है उन लोगों को काफी राहत मिलेगी इस चीज से। मेरा नगर जिला हरिद्वार प्रशासन से अनुरोध है और नगर निगम से कि तुरंत अलाव की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि आम आदमियों को थोड़ा सा राहत मिले। सर अलाव की व्यवस्था किस चौराहे पर नहीं है? हम जो अलावपुर से लेकर हरिद्वार तक देख ली, जिस चौराहे पर आप खड़े हैं, क्या क्या स्थिति है, ठंड कितनी है? स्थिति बहुत खतरनाक हो रखी है और जिस हिसाब से सर्दी पड़ रही है, अलाव न रालीपुर मोड़ पे है, न चंद्रचार चौक पे है, न शंकरचार चौक पे है, न आर्य नगर पे है। मैं अभी उस मार्केट से उधर घूम के आ रहा हूँ। अलाव की बहुत जरूरत है, लेकिन नगर निगम क्या कर रहा है इसमें मैं कुछ नहीं करता, लेकिन मैं मांग करता हूँ शहर व्यापार मंडल की तरफ से कि अलाव की व्यवस्था करी जाए, जिससे आम पब्लिक जो गरीब पर्सन है वो इसका लुत्फ उठा सके। ये तो ऐसे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाएगी और लोग मरने को तैयार हो